नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिएगा, आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं दोस्तों प्रमुख क्षत्रिया, और प्रमुख क्षत्रियों से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, BSTC एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना दोस्तों। और प्रमुख क्षत्रियों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो खंभों पर आधारित छत्रिया, जैसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ है, 80 खंभों की छतरी कहाँ है, 32 खंभों की छतरी कहाँ है, ठीक है, 20 खंभों की छतरी कहाँ है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे खंभों पर बहुत सारी छतरियाँ हैं, लेकिन मेन जो छतरियाँ वो हमें याद करनी है, ज्ञानी तो बाद में बढ़ जाएंगे, पहले क्या है कि एग्जाम पास कर ले। ठीक है, अब दोस्तों प्रमुख जैसे खंभों पर आधारित छतरियाँ देखने वाले हैं, फिर जो है डायरेक्ट प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है, जैसे मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के किस जिले में है, ठीक है, नेहड़ा की छतरी राजस्थान के किस जिले में है, इस तरीके से। तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। एक बड़े बाग की छतरी, बड़े बाग की छतरी राजस्थान के किस जिले में, जैसलमेर में है, ये भी कई बार पूछी गई है। चलो दोस्तों, हेडिंग हमारी रहेगी प्रमुख छतरियाँ। ठीक है, प्रमुख छतरियाँ ये आप हेडिंग लगा लेना और प्रमुख देख लेते हैं। सबसे पहले क्रम से चलेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्रम से चलेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ले लेते हैं दोस्तों 80 खंभों की छतरी। एक तो 80 खंभों की छतरी इम्पोर्टेंट है, फिर दूसरे नंबर पर सबसे पहले 84 ले लेते हैं, 84 खंभों की छतरी, फिर लेते हैं 80 खंभों की छतरी, फिर तीसरे नंबर पर लिख लेना दोस्तों 32 खंभों की छतरी। ठीक है, चौथे नंबर पर आप लिखना दोस्तों 32 खंभों की छतरी के बाद में देखते हैं 20 खंभों की छतरी, और पाँचवें नंबर पर आप लिखना दोस्तों 18 खंभों की छतरी। ठीक है, छठवें नंबर पर आप लिखना 16 खंभों की छतरी। पहले इनको देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, 84 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में, ये प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखना दोस्तों 84 खंभों की छतरी राजस्थान के बूंदी जिले में, किस जिले में है 84 खंभों की छतरी, बूंदी जिले में है। और ये जो 84 खंभों की छतरी दोस्तों राजस्थान के बूंदी जिले में है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें दोस्तों केसर बाग की छतरी के नाम से जाना जाता है, केसर बाग की छतरी। ठीक है, केसर बाग की छतरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, केसर बाग की छतरी। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, केसर बाग की छतरी है 84 खंभों की छतरी। देखो 84 रुपए, बूंदी हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ये जो बूंदी है ना, बूंदी हमेशा सुकेड़ी खानी चाहिए। किस प्रकार खानी चाहिए दोस्तों, सुकेड़ी खानी चाहिए। तो बूंदी का शुभंकर क्या हो जाएगा, सुरकाव हो जाएगा। बूंदी हमेशा सुकेड़ी खानी चाहिए, तो बूंदी का शुभंकर हो जाएगा सुरकाव। और बूंदी सुकेड़ी खानी चाहिए, नहीं अगर सुकेड़ी नहीं खाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो ध्यान रखना दोस्तों गरदड़ा सभ्यता, गरदड़ा सभ्यता कहाँ है, तो गरदड़ा सभ्यता ये भी राजस्थान के बूंदी जिले में है। तो बूंदी जिले में 84 खंभों की छतरी है, ये आपको ध्यान रखना है, जो केसर बाग की छतरी के नाम से जानी जाती है। अब दूसरा पॉइंट है हमारे सामने 80 खंभों की छतरी। बताओ दोस्तों 80 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में है, 80 खंभों की छतरी, तो 80 खंभों की छतरी राजस्थान के दोस्तों अलवर जिले में है। किस जिले में है दोस्तों, अलवर जिले में है दोस्तों, ध्यान रखना 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी अलवर में है। और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो 80 खंभों की छतरी को दोस्तों मूसी महारानी की छतरी के नाम से जाना जाता है, मूसी महारानी की छतरी, मूसी महारानी की छतरी को दोस्तों ध्यान रखना, मूसी महारानी की क्या है, छतरी को जो है 80 खंभों की छतरी के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखना देखो, अलवर जिले की यदि मैं बात करता हूँ तो अलवर में जैसे नेहड़ा की छतरी भी है, नेहड़ा की छतरी राजस्थान के किस जिले में है, तो नेहड़ा की छतरी भी राजस्थान के दोस्तों अलवर जिले में है। नेहड़ा की छतरी हुई, इसके अलावा टहला की छतरी हुई, टहला की छतरी भी राजस्थान के किस जिले में है, तो ये भी अलवर जिले में ही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों प्रमुख जैसे मैं बात करता हूँ तीसरे नंबर पर, वो है 32 खंभों की छतरी। और दोस्तों 32 खंभों की छतरी दोस्तों ये राजस्थान के प्रमुख दो जिलों में है, 32 खंभों की छतरी जो है वो राजस्थान के दो जिलों में है। पहले नंबर पर आप लिखना दोस्तों मांडलगढ़, ये मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है, तो ये मांडलगढ़ पड़ता है दोस्तों राजस्थान के राजसमंद जिले में। ठीक है, मांडलगढ़ राजसमंद में ध्यान रखना, मांडलगढ़ राजसमंद में दोस्तों 32 खंभों के क्या है, छतरी है। उसी प्रकार से रणथंभौर, ये रणथंभौर कहाँ है, तो रणथंभौर सवाईमाधोपुर, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में ध्यान रखना, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में भी क्या है, 32 खंभों की छतरी है, रणथंभौर सवाईमाधोपुर। ठीक है, तो रणथंभौर जो सवाईमाधोपुर में है, ये है दोस्तों जैतर सिंह की, किसकी है, जैतर सिंह की प्रमुख छतरी है, जैतर सिंह की। ये जैतर सिंह या जय सिंह भी इनका नाम लिखा मिलता है। तो जैतर सिंह ये हमीरदेव चौहान के पिताजी थे, हमीरदेव ने जैतर सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में दोस्तों ये रणथंभौर सवाईमाधोपुर के अंदर 32 खंभों की छतरी बनाई थी, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में दोस्तों, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में भी ध्यान रखना 32 खंभों की छतरी है। और ये किसकी है, तो ये है जगन्नाथ कछवा की, किसकी है, जगन्नाथ कछवा की, जगन्नाथ कछवा की ये प्रमुख छतरी है दोस्तों, जगन्नाथ कछवा की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ राजसमंद और रणथंभौर सवाईमाधोपुर। उसी प्रकार से देखते हैं प्रमुख 20 खंभों की छतरी, ध्यान रखें दोस्तों 20 खंभों की छतरी
की मैं बात कर रहा हूँ 20 खंभों की छतरी। 20 खंभों की छतरी दोस्तों राजस्थान के किस जिले में है, तो 20 खंभों की छतरी ध्यान रखना जोधपुर जिले में है। 20 खंभों की छतरी जोधपुर जिले में है। और ये जो 20 खंभों की छतरी है, ठीक है मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये जो 20 खंभों की छतरी है इसे और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें सेनापति की छतरी के नाम से जाना जाता है। किस छतरी के नाम से जानते हैं, 20 खंभों की छतरी को सेनापति की छतरी के नाम से जाना जाता है। सेनापति की यह छतरी है, सेनापति की छतरी है। सेनापति कौन भाई, अखेराज सिंघवी, यानी अखेराज सिंघवी की ये प्रमुख छतरी है। अखेराज सिंघवी की दोस्तों ये छतरी है, ध्यान रखना अखेराज सिंघवी की छतरी है, 20 खंभों की छतरी जोधपुर के अंदर, जिसे सेनापति की छतरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों देखते हैं 18 खंभों की छतरी, तो 18 खंभों की छतरी ये भी कहाँ है, तो ये भी दोस्तों 18 खंभों की भी जोधपुर में ही है, ठीक है। 18 खंभों की जो छतरी है ये 18 खंभों की छतरी भी दोस्तों ध्यान रखना जोधपुर जिले में ही है। और ये जो 18 खंभों की छतरी दोस्तों 20 खंभों की छतरी जोधपुर में है, सेनापति की छतरी है सिंघवी की, उसी प्रकार 18 खंभों की छतरी जोधपुर में है। और ये किसकी है, तो ये प्रधानमंत्री की छतरी है। किसकी छतरी है मित्रों, प्रधानमंत्री की छतरी है 18 खंभों की छतरी। प्रधानमंत्री की छतरी, प्रधानमंत्री कौन है भाई, प्रधानमंत्री ध्यान रखना राज सिंह कुंपावत, यानी राज सिंह कुंपावत की क्या है, ये प्रमुख छतरी है। राज सिंह कुंपावत की प्रमुख छतरी है, ठीक है। उसी प्रकार से देखते हैं प्रमुख 16 खंभों की छतरी। हमें एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि 16 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में है, तो 16 खंभों की छतरी ध्यान रखना नागौर जिले में दोस्तों। नागौर जिले में 16 खंभों की छतरी है, नागौर जिले में। और ये नागौर जिले में किसकी है 16 खंभों की छतरी, तो ये है अमर सिंह राठौड़ की। किसकी है मित्रों, अमर सिंह राठौड़ की, ध्यान रखना अमर सिंह राठौड़ की प्रमुख छतरी है नागौर जिले में 16 खंभों की छतरी। तो ये आपको बेसिक से याद होना चाहिए दोस्तों कि कहां 16 खंभों की छतरी है, कहां 20 खंभों की छतरी है, कहां 32 खंभों की छतरी है, ठीक है। इस तरीके से प्रमुख आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों प्रमुख आगे, जैसे 84, 80, 32 ये आपको याद हो गया क्या, एक बार साथ साथ में रिपीट कीजिएगा। सबसे पहले 84 खंभों की छतरी कहाँ है, तो 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। कहाँ है दोस्तों, बूंदी में है 84 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी कहाँ है, तो 80 खंभों की छतरी अलवर में है। और 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़, भीलवाड़ा और रणथंभौर, सवाईमाधोपुर। और 20 खंभों की छतरी जोधपुर में है, और 18 खंभों की छतरी जोधपुर में है, और 16 खंभों की छतरी नागौर में है, नागौर में अमर सिंह राठौड़ की। अब जैसे मैं आगे बात करता हूँ दोस्तों प्रमुख, जैसे 7वें नंबर पर आप लगाना 12 खंभों की छतरी, बताओ 12 खंभों की छतरी कहाँ है, 12 खंभों की छतरी ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो ये पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। किसकी है दोस्तों, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, ध्यान रखना पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है 12 खंभों की छतरी, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, ठीक है। ये कहाँ है भाई पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, तो ये ध्यान रखना पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है ये कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर। कहाँ है, कुंभलगढ़ राजसमंद में दोस्तों, ध्यान रखना कुंभलगढ़ राजसमंद में दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है जो 12 खंभों की है। 8वें नंबर पर आप लगाना दोस्तों, 12 खंभों की हो गई। अब हम बात करते प्रमुख, जैसे 8 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी कहाँ है, 8 खंभों की छतरी, तो 8 खंभों की प्रमुख छतरी दोस्तों ये देखो, 8 खंभों की छतरी भी राजस्थान के प्रमुख 2 जिलों में है, ठीक है। पहला जिला जैसे मैं बात करता हूँ, आपने नाम सुना होगा दोस्तों उदयपुर, नहीं जिला है उदयपुर, गांव है बाडुली गांव, ठीक है, चावंड उदयपुर बाडुली तो गांव है, और चावंड उदयपुर में है दोस्तों, ठीक है। किसकी है दोस्तों, ये चावंड उदयपुर में दोस्तों प्रताप की है, महाराणा प्रताप की छतरी है दोस्तों, महाराणा प्रताप की। कितनी है दोस्तों, 8 खंभों की क्या है, छतरी है, ठीक है। तो चावंड उदयपुर में हो गई 8 खंभों की छतरी। अब दूसरी का है, दूसरी है दोस्तों ध्यान रखना मांडलगढ़ राजसमंद में, तो मांडलगढ़ राजसमंद में दोस्तों ध्यान रखना मांडलगढ़ राजसमंद में ये प्रमुख दोस्तों 8 खंभों की छतरी है। मांडलगढ़ राजसमंद में किसकी है, तो ये है राणा सांगा, जिन्हें सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है, तो राणा सांगा की छतरी ध्यान रखना 8 खंभों की छतरी मांडलगढ़ राजसमंद में है, और महाराणा प्रताप की चावंड उदयपुर में है 8 खंभों की छतरी। अब प्रमुख जैसे मैं बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर नवा पॉइंट, जैसे 8 खंभों की हो गई, अब देख लेते हैं प्रमुख 6 खंभों की छतरी। अब देखो 6 खंभों की छतरी ये भी इंपॉर्टेंट है, 6 खंभों की छतरी कहाँ है, तो 6 खंभों की छतरी भी राजस्थान के क्या है, 2-2 जिलों में है। किस किस जिले में, 2-2 जिलों में, एक तो है लालसोट दोसा में बेणजारे की छतरी, ठीक है, लालसोट दोसा में किसकी है दोस्तों, बेणजारे की छतरी है। उसी प्रकार से देखते हैं लालसोट दोसा
में बंजारे की छतरी हो गई। देखो मैं नाम लिख लेता हूँ, जयमल, जयमल मेड़तिया, जयमल मेड़तिया, जयमल मेड़तिया की छतरी राजस्थान के किस जिले में है? तो जयमल मेड़तिया की छतरी राजस्थान के चित्तौड़ जिले में है, ठीक है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ जिले में दोस्तों जयमल मेड़तिया की छतरी है। ये छह खंभों की छतरी बनी हुई है दोस्तों। अब जैसे प्रमुख दसवां पॉइंट यहाँ पर आप लिखना दोस्तों, चार खंभों की छतरी। अब चार खंभों की छतरी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चार खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में है? तो ये भी राजस्थान के क्या है, दो जिलों में है। चार खंभों की छतरी कहाँ है? तो चार खंभों की छतरी आपको पता होगा जोधपुर में दोस्तों, जोधपुर में, जोधपुर में चार खंभों की छतरी है, जोधपुर में, जोधपुर में। ये किसकी है चार खंभों की छतरी? तो ये है दोस्तों, ध्यान रखना, रूठी रानी की छतरी। रूठी रानी की है या फिर नहीं, रूठी रानी की नहीं है जोधपुर में, ये है घोराधाई की। रूठी रानी की नहीं है, घोराधाई की, ध्यान रखना, घोराधाई की छतरी, ठीक है। जोधपुर में किसकी है? तो घोराधाई की छतरी है, घोराधाई, ठीक है, घोराधाई, घोराधाई की प्रमुख छतरी है दोस्तों, जोधपुर में है, चार खंभों की छतरी है। ध्यान रखना, चित्तौड़ में भी है, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में भी है चार खंभों की छतरी। किस किसकी है? एक तो कल्लाजी राठौड़ की है, कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़ और संत रैदास, ठीक है। दो प्रमुख पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कल्लाजी राठौड़, संत रैदास जी की छतरी है चित्तौड़गढ़ में, और घोराधाई की छतरी जोधपुर में है चार खंभों की। तो हमने यहाँ पर छह खंभों की छतरी देखी दोस्तों, छह खंभों की छतरी लालसोट दोसा जो बेंडारे की छतरी है, और जयमल मेड़तिया की छतरी चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। तो ये प्रमुख आपके सामने दोस्तों, ये ध्यान रखना, देखो ये मैंने छह खंभों की लिखा, ये मैंने चार खंभों की छतरी लिखा है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक खंभों की छतरी क्या है, वैसे ये नहीं पूछा जाता, फिर भी देख लेते हैं, एक खंभों की छतरी, एक खंभों की छतरी, वैसे ध्यान रखना रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है। एक खंभों की छतरी कहां है? तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। तो ये प्रमुख क्या है दोस्तों, छतरियों से रिलेटेड प्रश्न थे। सबसे पहले 84 खंभों की छतरी क्या है? तो 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। 80 खंभों की छतरी कहाँ है? तो 80 खंभों की छतरी अलवर में है, ठीक है। 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। इसके अलावा 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा हुआ, रणथंभौर सवाई माधोपुर में भी है। और 20 खंभों की छतरी जोधपुर में है, और 18 खंभों की छतरी भी जोधपुर में है, और 16 खंभों की छतरी नागौर में है, और 12 खंभों की छतरी, ध्यान रखना, 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ राजसमंद में है, और 8 खंभों की छतरी चावंड उदयपुर में भी है, तो मांडलगढ़ राजसमंद में भी है। 6 खंभों की छतरी लालसोट दौसा में भी है, तो ध्यान रखना जयमल मेड़तिया चित्तौड़गढ़ की प्रमुख है, चित्तौड़गढ़ में भी है जयमल मेड़तिया की। 4 खंभों की छतरी जोधपुर में भी है, तो चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में किसकी है? चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों, देखो कल्लाजी राठौड़ और रेदास जी की, ठीक है। तो और 1 खंभों की छतरी अपने रणथंभौर सवाई माधोपुर में हो गई। तो ये प्रमुख था दोस्तों। अब क्या है कि थोड़ा मैं ट्रिक से बता देता हूँ आपको, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। प्रमुख जैसे जोधपुर, जोधपुर की छतरियाँ इंपॉर्टेंट है, जो हमें कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो जोधपुर की छतरियों को अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। जोधपुर में देखो मैं ट्रिक बताऊँ आपको, एक बार ट्रिक बताता हूँ, एक बार इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इनको नोट कर लीजिएगा। मैं जोधपुर लिख रहा हूँ, जोधपुर जिले की प्रमुख छतरियाँ, ठीक है। हेडिंग हमारी रहेगी जोधपुर जिले की प्रमुख छतरियाँ। तो देखते हैं जोधपुर जिले की प्रमुख छतरियाँ, ट्रिक क्या है। सबसे पहले जोधपुर जिले की प्रमुख छतरियों के क्या देख लेते हैं, ट्रिक देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आप लगाना दोस्तों जोधपुर जिला, ठीक है, जोधपुर, जोधपुर में देखो जोधपुर की ट्रिक क्या है। आपको पता है कि जो मारवाड़ वाला एरिया आ गया, मारवाड़ का, मारवाड़ का जो एरिया आ गया, जो जोधपुर संभाग में है, प्रमुख जो है जोधपुर संभाग में जो जिले सम्मिलित है वो सभी मारवाड़ में आते हैं। तो आपको ट्रिक याद रखनी दोस्तों, ट्रिक क्या है कि ट्रिक है मारवाड़ में, ठीक है, मारवाड़ में, मारवाड़ में अखेराज, मारवाड़ में अखेराज, मारवाड़ में अखेराज, अखेराज मामा का 5 ब्राह्मण गोरा है। मारवाड़ में अखेराज मामा का 5 ब्राह्मण क्या है दोस्तों, गोरा है। मारवाड़ से ध्यान रखना दोस्तों, मारवाड़ रानियों की छतरियाँ, मारवाड़ रानियों की छतरियाँ, मारवाड़ रानियों की छतरियाँ कहाँ हैं? तो मारवाड़ रानियों की जो छतरी है दोस्तों, मारवाड़ रानियों की जो छतरी है वो जोधपुर ज़िले में है। मैं से ध्यान रखना मंडोर की छतरियाँ कहाँ है दोस्तों, मंडोर की छतरियाँ, जो मंडोर की छतरियाँ हैं ये राजस्थान के किस जिले में है? तो मंडोर की छतरियाँ भी जोधपुर में हैं। अखेराज से आपको ध्यान रखना, अखेराज सिंघवी की छतरी, अखेराज सिंघवी की छतरी, अखेराज सिंघवी की छतरी, अभी हमने देखा था दोस्तों 20 खंभों की छतरी थी अखेराज सिंघवी की छतरी, तो ये भी ध्यान रखना ये कहाँ है, जोधपुर में है। मामा से ध्यान रखना दोस्तों, मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा की छतरी, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ दोस्तों, मामा भांजा की छतरी राजस्थान के किस जिले में है? तो जोधपुर में है। और मामा भांजा का मंदिर कहाँ है? तो बारा जिले में दोस्तों, बारा जिले में, ठीक है। और का से काको, का से ध्यान रखना कागा की छतरियाँ, कागा की छतरी, कागा की छतरी लगा लेना दोस्तों, कागा की छतरी, ये भी जोधपुर में है। 5 से आपको ध्यान रखना पंचकुंड की छतरियाँ, पंचकुंड की छतरियाँ, एक बार पेन नहीं चल रहा है, थोड़ा गड़बड़ हो गई इस पेन में,
पांच से आपको ध्यान रखना पंचकुंड की छत्रिया, कहाँ ध्यान रखना है दोस्तों, पंचकुंड की छत्रिया, पंचकुंड की छत्रिया, पंचकुंड की जो छत्रिया है वो भी जोधपुर जिले में है। ब्राह्मण गोरा है, ठीक है, ब्राह्मण देवता की जो छत्री है, ब्राह्मण देवता की छत्री, ब्राह्मण देवता की छत्री, ब्राह्मण देवता की जो छत्री है दोस्तों वो भी कहाँ है, जोधपुर में है। और गोरा से आपको ध्यान रखना गोराधाई की छत्री, गोराधाई की छत्री, गोराधाई की छत्री भी कहाँ है, तो गोराधाई की छत्री भी जोधपुर में हो गई। तो इस तरीके से जोधपुर में आपको ध्यान रखना है कि मारवाड़ में अखिराज मामा का पांच ब्राह्मण क्या है, गोरा है। इसके माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब उसी प्रकार से दोस्तों मैं नेक्स्ट जिला ले लेता हूँ आपके सामने, वो है भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा की क्या ट्रिक है, तो ये तो हमारा जोधपुर जिला था, अब हम भीलवाड़ा जिले की प्रमुख ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, भीलवाड़ा की क्या ट्रिक है वो देखते हैं कि भीलवाड़ा में राणा सांगा के 32 भील जो है, राणा सांगा के 32 भील जो है, 32 भील जो है वो गंगा में अमर हैं। राणा सांगा के 32 भील जो है वो गंगा में क्या है, अमर हैं। ये आप ट्रिक लिख लेना दोस्तों भीलवाड़ा जिले की, भीलवाड़ा जिले की क्या ट्रिक हो गई, भीलवाड़ा जिले की ट्रिक हो गई कि राणा सांगा के क्या है दोस्तों, ट्रिक ट्रिक है हमारे सामने राणा सांगा के, राणा सांगा, राणा सांगा के, राणा सांगा के 32 भील, राणा सांगा के 32 भील जो है वो गंगा में क्या है, जो गंगा में, राणा सांगा के 32 भील जो है गंगा में अमर हैं। गंगा में क्या है मित्रों, गंगा में अमर हैं, ये याद कर लेना आप ट्रिक है। राणा सांगा, तो ध्यान रखना राणा सांगा की छतरी कहाँ है, तो राणा सांगा की छतरी, ध्यान रखना मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, राणा सांगा की छतरी कहाँ है, तो भीलवाड़ा जिले में है। 32 है, ध्यान रखना 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी, अभी हमने देखा था 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में थी, तो 32 खंभों की जो छतरी है वो भी कहाँ है, भीलवाड़ा जिले में है। ठीक है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 32 खंभों की छतरी है। भील, राणा सांगा के 32 भील जो गंगा, ध्यान रखना गंगा, यहाँ पर जोश आया, जोध सिंह की छतरी, जोध सिंह की छतरी, जोध सिंह की छतरी कहाँ है, तो जोध सिंह की छतरी भी भीलवाड़ा जिले में है, गंगा में अमर है। तो गंगा से ध्यान रखना गंगाबाई की छतरी, गंगाबाई की छतरी, गंगाबाई की छतरी राजस्थान के किस जिले में है, तो गंगाबाई की छतरी भी ध्यान रखना दोस्तों भीलवाड़ा जिले में है। उसी प्रकार से अमर है, तो अमर से ध्यान रखना दोस्तों अमर, अमरगढ़, अमरकूट की छतरी, ठीक है, अमरगढ़, अमरगढ़ की छतरी, अमरगढ़ की छतरी कहाँ है, तो ये भी दोस्तों ध्यान रखना है भीलवाड़ा जिले में है। तो इस तरीके से आप जो है वो आसानी से याद कर सकते हैं, ये प्रमुख हमारा जोधपुर जिला था और ये हमारा प्रमुख भीलवाड़ा जिला था। ठीक है, अब ये प्रमुख छतरी आप इनको अच्छे से याद कर लेना है। वैसे तो बहुत सारी छतरियाँ हैं, लेकिन जो मेन मेन जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है जोगीदास की छतरी, ये पूछा गया था क्वेश्चन, जोगीदास की छतरी, जोगीदास की छतरी राजस्थान के किस जिले में है, तो जोगीदास की छतरी ध्यान रखना झुंझुनू जिले में है। किस जिले में है, झुंझुनू जिले में, झुंझुनू जिले में ध्यान रखना जोगीदास की छतरी है। ठीक है, तो ये प्रमुख था। एक हम बात कर लेते हैं अजमेर में, जैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं अजमेर में, तो अजमेर में दोस्तों आपको पता होगा, अगर आपको पूछा जाए कि आतेड़ की छत्रिया, आतेड़ की छत्रिया, आतेड़ की छत्रिया राजस्थान के किस जिले में है, तो आतेड़ की छत्रिया ये राजस्थान के दोस्तों अजमेर, अजमेर जिले में है। इसके अलावा रूठी रानी की छत्री, रूठी रानी की छत्री, रूठी रानी की जो छत्री है, रूठी रानी यानी उमादे भटियाणी, इनकी जो छत्री है वो भी अजमेर में ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाए पृथ्वीराज स्मारक, पृथ्वीराज का जो स्मारक है, पृथ्वीराज का स्मारक वो कहाँ है, तो पृथ्वीराज का स्मारक भी अजमेर में ही है। ठीक है, तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखना दोस्तों। अब जैसे मैं यहाँ पर एक जिला ले लेता हूँ, राजसमंद जिला, राजसमंद जिले में आपको ध्यान रखना है, राजसमंद जिला, राजसमंद में आपको ध्यान रखना है पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी राजस्थान के किस जिले में है, तो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी भी दोस्तों राजसमंद जिले में है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा जाता है चेतक समाधि स्थल, चेतक समाधि स्थल दोस्तों राजस्थान के किस जिले में है, तो चेतक समाधि स्थल जो है वो भी दोस्तों राजसमंद जिले में ही है। ठीक है, तो ये कुछ मेन मेन फैक्ट थे दोस्तों जो आपको याद करने हैं। सबसे पहले तो देखो मेरे हिसाब से डायरेक्ट जो प्रश्न पूछा जाएगा वो यही से पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि 84 खंभों की, 80 खंभों की, मेन मेन है, एक तो 32 खंभों की छतरी है, एक 84 खंभों की छतरी है, एक 80 खंभों की छतरी है, एक 20 खंभों की छतरी है। बाकी ये आप देखो जोधपुर जिले की मैंने ट्रिक बताई, भीलवाड़ा जिले की ट्रिक बताई, और ये कुछ देख लेना दोस्तों प्रमुख, जैसे जोगीदास की छतरी हुई अजमेर में, राजसमंद में। तो मेरे हिसाब से आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।